यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। बीमा क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ व अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में जमशेदपुर मंडल बीमा कर्मचारी संघ के बैनर तले डाल्टनगंज इकाई के तमाम कर्मचारीगण मंगलवार को हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने वेतन समझौता लागू करने सहित मजदूरी दर में वृद्धि की मांग की। संघ से जुड़े नीलेन टोप्पो ने कहा कि सरकार बीमा क्षेत्र के निजीकरण को लेकर उतावली है और ऐसे में कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि सरकार इस दिशा में सार्थक वार्ता से बच रही है। लिए धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार की जो नीति है कर्मचारी विरोधी है, जैसे बैंक और बीमा क्षेत्र को निजीकरण चाहती है उसके विरोध आज हम हड़ताल में हैं। और सरकार का जो नीति है वह बहुत ही दयनीय है, इनकी स्थिति ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो वेतन समझौता है अगस्त 2017 से जो ड्यूज है, जो वर्ता करना है, उस 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक हमारे साथ वो वर्ता करना नहीं चाहती है। वर्ता में बुलाया भी जाता है तो वो बात करते हैं कि हम 1% 2% देंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे विरोध में सरकार काम करे। और जो भी हमारी मांगे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा निजीकरण ना हो और हमारा जो काम अभी जो चल रहा है अच्छी रीति से चले। और हम अपने मजदूर के साथ हैं, मजदूर को कम से कम मिनिमम 18,000 मजदूरी मिले, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं।